वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 1 जून और टाइम हो रहा है शाम के 6, हाँ 6 बज रहे होंगे। सो आप पीछे मेरे देख ही सकते हो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। बट मौसम अच्छा है पर एक बात अच्छी नहीं है, वो आपको पहले दिखा देता हूँ। आज अभी देखते हैं इसका क्या करते हैं हम। इसका तो खैर कुछ नहीं करना, दिन पर मैं डॉक्टर पर भी दिखा के आया था, उन्होंने दवाई दी। दवाई लेने के बाद पता नहीं से क्या हुआ, जब से ऐसी है इसने वॉमिट कर दी 2-3 बारी। सो मेरा वीडियो बनाने का मन तो नहीं था, पर हाँ मैं यहीं पे आया हूँ अपना खाली मैदान पे ही। तो मैं सबने साथ ही लिया, क्योंकि घर पे रहता तो मैं इसी यार सोचता रहा था, मैं इससे साथ ही लिया। और इससे थोड़ी बाहर की हवा वगैरह लगेगी तो ये थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, पर आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो इसको बैठे रहने देते, थोड़ी देर आराम करेगा बाहर। इसकी आँख का इन्फेक्शन जो है उसकी तो दवाई मैं लाया, उसी की दवाई लेने गया था, पर उन्होंने जो दवाई दी उसके बाद इसकी हालत ख़राब हो गई है। अभी देखते हैं भाई, इधर उधर भगाते हैं थोड़ी, मतलब चलाते हैं, नहीं तो फिर चलते देखते क्या करते क्या नहीं करते। या तो मैं इसे पहले घर छोड़ के आऊँगा, अगर ये थोड़ी देर में ठीक हो गया फिर कहीं बाहर घूमूंगा, नहीं तो ये मेरे साथ ही रहेगा। देखते इसका क्या करते क्या नहीं करते। सो गाइस अभी यहाँ पर यहाँ नजर रह के उधर की साइड जाते थोड़ा, और देखते फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं। फ़ोटो वगैरह तो यहीं क्लिक कराएंगे तो, नहीं तो वहीं जाते अपने जहाँ पर हम घूमते हैं। तो अभी आपको बताते हैं फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे तो। सो गाइस अभी हमने यहीं पर फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई है। सो ये देख सकते हो आप, इसकी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा, एक्टिव भी हो गया थोड़ा पहले से और आवाज़ भी निकाल रहा है अब तो। आ जा आइयो, ये देखो देखो हरकत कर रहा है ना, ये बैठने की कोशिश कर रहा पर मैं से अभी ले नहीं रहा। ये देखो आ गया, ये गुड 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 आ गया, तो उसके अंदर जान वापस आ चुकी है। इसलिए मैं इसे घर नहीं छोड़ के आया, क्योंकि अगर मैं इसे घर छोड़ के आता तो अकेला उसमें पड़ा पड़ा मेरे को पक्का पता इसकी डेथ हो जाती। यहाँ पे सिर्फ मेरे, क्योंकि घर में सिर्फ ज़्यादातर मेरे साथ ही रहता है, क्योंकि मैं इसे खाना पीना देता हूँ तो मेरे को ही जानता है, तो मेरे साथ रह के थोड़ा ये अकेला फील नहीं करेगा, इसलिए मैं अपने साथ ही आया इसे। और अभी पहले से बेटर, आपने देखा होगा खुद ही चढ़ा मेरे पे। तो इसका देखो ये थोड़ा हल्का कंट्रोल में, इससे बॉडी वेट इससे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये देखो डगमगा रहा है ना, ये व्यू कितना अच्छा रहा है पीछे का। तो थंबनेल के लिए फ़ोटो मिल गई नाइस। तो अभी हम इसको लेके चलते हैं, और ये कबूतरबाज। तो अभी हमने यहाँ पे बर्नआउट वगैरह मारा था, तो अभी एक बार पहले टायर की हालत दिखाता हूँ। तो गाइस ये है वो बर्नआउट का निशान, बाकी सब हमारे नहीं है। और ये एक सेकेंड ज़्यादा दूर होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, एक हुआ है बस। तो आज मेरा मूड तो नहीं था वीडियो, कुछ घूमने फिरने का मूड नहीं था, पर ये आकर तो मैं सोचा कि ये भी थोड़ा बाहर घूम लेगा। इसके पर वगैरह हमने कुछ नहीं काट रखे, उड़ता है ये, क्योंकि इसे पर वगैरह काट देंगे फिर ये बैठा रहेगा ना, उड़ सकता है ना कुछ, तो इसलिए इसके पर वगैरह कुछ नहीं कटे। आप देख सकते हो पूरे पर वगैरह हैं इसके। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, फिलहाल तुम कहीं और जा रहे हैं, यहाँ नहीं खड़े हो रहे। फोटोज वगैरह हमने क्लिक करानी थी, हमने करा ली, हम चलते हैं दूसरी साइड जहाँ हम घूमते हैं या कहीं और जाते हैं। सुबह जब अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30, और मैं वहाँ से घर आ गया था 7 बजे ही। ज़्यादा बाहर गया भी नहीं मैं, क्योंकि इसको साथ लेके गया था, और वहाँ पर मेरे को एक अंकल मिल गए थे जिन्होंने बताया कि सामने एक डॉक्टर है एनिमल के, उनके पास अब चले गए, वो अच्छे डॉक्टर हैं। क्योंकि मैं जिसके पास अभी तक गया हूँ, जिसने दवाई दी, मतलब पहले मेरे पहाड़ी तोते थे उनकी भी डेथ हो गई थी दवाई दी थी, और इसकी भी आज तबीयत ख़राब हो गई थी, ये तो बस था कि गया बस। वो तो मैं अपने साथ लेके बैठा था कि हाँ ठीक हो जाए ठीक हो जाए ठीक हो जाए, थोड़ी सी हिम्मत दे रहा था, हल्का हल्का जब पानी दे रहा था, नींबू दिया मैंने जिसकी वजह से थोड़ा इसका डाइजेशन ठीक हो जाए। इसके डाइजेशन में दिक्कत थी, और बाकी जो इसके वाटर की कमी हो गई थी बॉडी में, डिहाइड्रेशन हो गई थी, तो उसके लिए मैं पानी दिया जा रहा था हर थोड़ी थोड़ी देर पर, जिसके से अभी काफ़ी बेटर है। और जो मैं डॉक्टर के पास ले गया, उन्होंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, इंजेक्शन के बाद ही बैठ गया, क्योंकि दवाई ले नहीं सकता, वॉमिट कर रहा था ये, और दवाई कैसे लेगा, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि कोई इंजेक्शन इसे लग जाए, क्योंकि उसके बाद इसके अंदर बॉडी के अंदर दवाई जा सकती, नहीं तो नहीं इसे ऐसे नहीं लेगा ये। इंजेक्शन मैंने इसे लगा दिया पहले से, बहुत ज़्यादा बैठ रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस ये रहा, आ जाओ, अभी मेरे साथ ही खेल रहा है बहुत देर से आधे घंटे से। और ये देखो अब मतलब फुल फुर्ती है इसके अंदर, पकड़ भी इसकी अच्छी हो गई है, मतलब जाने से वापस आ गई है, और अच्छा लग रहा है मेरे को काफ़ी। अभी ठीक हो गई, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया था जब इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, क्योंकि मेरे को इससे काफ़ी ज़्यादा लगाव हो चुका है, वो कि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट फिर भी क्योंकि मेरे को अपने लिमिट से थोड़ा ज़्यादा इससे लगाव है, क्योंकि मेरे पास ही रहता है, मैं इसे खाना पीना देता हूँ, और मेरे मतलब काटता भी नहीं, और मेरे साथ प्यार से रहता है, ये मेरे को ही प्यार करना है। देखो देखो धीरे 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 मेरे ऊपर आता चले जाएगा। सो गाइस अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, इंजेक्शन लगने की वजह से इसकी तबीयत जो है ठीक हो चुकी है, आप देख ही सकते हो इसे। ये देखो
अब जो इसकी थोड़ी आवाज़ वाज़ में दिक्कत है, खाना मैंने इसे खिला दिया, पानी भी पी रहा है इंजेक्शन लगने के बाद, तो तबीयत इसकी ज़्यादा काफ़ी बेटर हो गई है। कुन्नु से पूछो उसकी तबीयत पहले कैसी थी और अब कैसी है, पहले तेरा कुन्नु भी बताएगा क्योंकि पूरा दिन यही लेके घूमा इसे मेरे साथ, काफ़ी ज़्यादा सही हो गया है और अच्छा भी हो गया है, इंजेक्शन लगने से काफ़ी फर्क पड़ा है इसके से। क्योंकि हम दोनों सुबह से इसे लेके घूम रहे हैं, दिन में जब से मैं क्लिनिक से आया हूँ धूप में हम इसे ले लेके घूमे हैं, जबकि हमारे बस की नींदा में खुद ऐसा लग रहा था कि हम चक्कर खा के गिर जाएंगे, तो उसकी तबीयत इसकी खुद की तबीयत भी धूप की वजह से ज़्यादा ख़राब हुई थी और हम दोनों की तो थी बस हमने थोड़ा बहुत पानी पिया जैसे तैसे एक दो घूट, फिर घर आते हमने सबसे पहले ग्लूकोन डी लिया है कि हमारा बस हमें चक्कर ना आ जाए। और अब इसका कहना है कि इसकी तबीयत पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी है और अब मेरे को जान भी गया है, मेरे को पहचानने लग गए इसे। ये देखो इसके ऊपर आराम से चले जाएगा भैया, ये देखो चले गया ना इसके पास, तो इसे जानने लग गया है क्योंकि ये इसी के साथ रहा है पूरा दिन, ये इसे पकड़ रहा था, मैं तो बाइक चला रहा था इस वजह से। सो गाइस बस इसकी तबीयत जो है कल तक ठीक हो जाए, इसकी आवाज़ मतलब अभी तो थोड़ी बहुत है हल्की हल्की सी, वो भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि दर्द में कर रहा है, बट कुछ भी है कल तक ठीक हो जाए। और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ क्योंकि ज़्यादा मेरे पास अभी कुछ है नहीं, मेरे को इसके साथ ही थोड़ा अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, रात तक जब तक ये सो नहीं जाता तब तक मैं इसी के साथ रहूँ, जब तक मैं नहीं सो जाता जब तक मैं इसी के साथ हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहते अकेला रहे, क्योंकि अगर मैं साथ शाम को अकेला छोड़ता फिर तो उसकी पक्का डेथ हो जाती, क्योंकि हम यहाँ अकेले रहते सिम मत देने वाला कोई था नहीं, अभी जानता मेरे को था अपने मैं साथ ही ले गया था कि बाहर जाएगा थोड़ी हवा लगी तो इसका वैसे भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, और जैसे मैं से बाहर ले गया था इसकी तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई थी, अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, वैसे ये देखो चढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आपको बता देना आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो पर लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो पर शेयर जरूर कर देना, और ऐसी अपनी ऐसी मेरी वीडियो पर अपना प्यार दिखाते रहो जैसे आप कुछ लास्ट वीडियो से जैसे आप दिखा रहे हो। सो बाय बाय टिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टेक केयर।